है ना। तो हमने क्या देखा, ये तीन तरह की इरर होती है, सिंटैक्स, लॉजिकल और रनटाइम इरर। सिंटैक्स इरर हुआ आपने अगर लिखने में कोई मिस्टेक करी है, ठीक है, वैसी मिस्टेक, ठीक है, लिखने में जो रूल्स को फॉलो करके नहीं लिखा है उसको। सिंटैक्स इरर ही बेसिकली आपकी कंपाइल टाइम इरर्स होती है। रन टाइम इरर मैंने बताया कि डिवाइड बाय जीरो या फिर लिस्ट बहुत लंबी होती चली जा रही है, मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल हो गई है, ठीक है। लॉजिकल एरर मतलब सिमेंटिक एरर जिसको बोलते हैं, मतलब कि आपका आउटपुट तो आएगा लेकिन आप जो आउटपुट चाहते थे वो आउटपुट नहीं आएगा, कुछ और आउटपुट आएगा, ठीक है। अब ये कंपाइल टाइम एरर होती है, ये रन टाइम एरर होती है, लेकिन पाइथन के केस में दोनों में डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होता, ठीक है, या फिर बहुत मुश्किल है पाइथन के केस में, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, कि जैसे ही कंपाइल होते ही कोई स्टेटमेंट वैसे ही वो रन भी हो जाता है, ठीक है। तो पाइथन के केस में डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि ये कंपाइल टाइम एरर है या फिर रन टाइम एरर है। बाकी वैसे मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मली जो प्रोसेस होता था सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह में, वो ऐसा होता था कि पहले कंपाइलेशन फेज होता था पूरा और फिर उसके बाद जो है रन फेज चालू होता था, ठीक है। तो उस केस में ये जो है कंपाइल टाइम एरर हो जाती थी और ये रन टाइम एरर हो जाती थी, और ये आपकी लॉजिकल एरर है, मतलब कि एरर नहीं आएगी एक्चुअल में, कुछ आपका आउटपुट जो है कुछ गलत आएगा, ठीक है, जो आप आना चाहिए था वो नहीं आएगा। तो ये हमने देखा था। अब देखो डिबगिंग क्या होती है, डिबगिंग यही होती है कि ये जो तीन तरह की इरर्स है इनको बेसिकली आइडेंटिफाई करना कि हाँ आपके प्रोग्राम में कहाँ इरर है, और फिर उस इरर को ठीक करना, उस इरर को रिमूव करना, तो वो जो होता है आपका डिबगिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके बेसिकली मैनुअल डिबगिंग से ही काम हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है आपका मैनुअल डिबगिंग से ही काम हो जाता है। यहां पर जो है आपका मैनुअल डिबगिंग से ही काम आ जाएगा, पर यहां पर जो है डिबगिंग कमांड्स का आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। होता क्या है, देखो सिंटैक्स इरर है, आपने लिखने में कहीं गलती करी है, तो आप रन करवाओगे आपको आउटपुट में इरर मिल जाएगी कि आपने कोई इरर करी है, वहां पर लाइन नंबर लिखा रहेगा, एरर मैसेज लिखा रहेगा। आप उस लाइन पे जाओगे, एरर मैसेज को थोड़ा ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा आपने क्या मिस्टेक करी, आप उसको करेक्ट कर लोगे। तो बेसिकली ये जो एरर है वो वैसे ही दूर हो जाती है, ठीक है। रन करा कर देख लो कौन सी लाइन में एरर है, क्या एरर है, और मैनुअल डिबगिंग ही मतलब आपको कुछ स्पेसिफिक कमांड्स वगैरह यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि आपने कुछ स्पेशल अलग से कुछ कमांड्स वगैरह यूज करी है तब जाकर आपको पता चला कि भाई क्या मिस्टेक है, ठीक है। ऐसा कोई कमांड की जरूरत नहीं है, आप अपने से ही ये एरर जो है आसानी से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो दो केसेज हैं इसमें क्या होता है कि एरर्स ऐसी होती है कि वो आसानी से पकड़ में नहीं आती है, मतलब ये डिपेंड करेगी आपके एक्सपीरियंस पे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अब जैसे आप नए नए प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको ये एरर्स जो है मुश्किल होगी ढूंढना कि क्या एरर है और क्या उनको करेक्ट करना, और जैसे जैसे प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है तो ये दो दो तरह की एरर है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्रामर हूँ, तो मुझे जल्दी से समझ में आ जाएगी, मुझे यहाँ कमांड्स वगैरह की जरूरत नहीं है ना, मैं मैनुअल डिबगिंग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि अगर मैं बहुत अच्छा प्रोग्रामर हूँ, मेरी नॉलेज काफी अच्छी है, तो क्या करूंगा कि मैनुअल डिबगिंग मैं यहाँ पर भी यूज कर लूंगा, ठीक है। मैं मैनुअली जैसे ही देखूंगा कोई एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, फटाफट से वहां पर, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है कमांड्स वगैरह की बेसिकली, है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर मिस्टेक ही ऐसी है कि बहुत मुश्किल हो पा रहा है एक्सपीरियंस प्रोग्रामर को भी आइडेंटिफाई करना कि कहाँ मिस्टेक है, तो उस केस में कुछ डिबगिंग कमांड्स वगैरह होती है जिनका यूज कर लेते हैं, तो वो हेल्प करती है बेसिकली आइडेंटिफाई करने में, है ना। पहुंचना तो आपको ही होता है वहां तक इरर तक, लेकिन ये चीजें जो होती है कमांड्स वगैरह आपको हेल्प करती है वहां पहुंचने में कि कहाँ इरर है और उसको कैसे करेक्ट करना है, ठीक है। करेक्ट तो आप ही करोगे बेसिकली, कहाँ एरर है वहां तक पहुंचने में आपको आसानी कर देती है डिबगिंग कमांड्स वगैरह। तो ये जो चीज है ये आपके सिलेबस में है नहीं है, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि ये जो दो टाइप्स की एरर है इनको दूर करने का जो प्रोसेस है, इनको आइडेंटिफाई करना और इनको जो दूर करना है, रिमूव करना, उसे ही एक्चुअली डिबगिंग कहते हैं, और ये जो है बेसिकली ये जो है डिबगिंग नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है बुक में कि ये जो दो एरर है इनको बेसिकली आइडेंटिफाई करना और इनको रिमूव करना बेसिकली वो डिबगिंग के अंदर आता है। तो वो बेसिकली गलत लिखा हुआ है ना, वो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, वो केवल क्या है ऑथर का अपना खुद का व्यू है, ठीक है। वो क्या है, जो बुक जिस ऑथर ने जो बुक लिखी है वो उसका अपना खुद का व्यू है, उसको लगता है कि हाँ ठीक है ये दो जो एरर है इनको आइडेंटिफाई करना ही, बेसिकली वो यहाँ पर कमांड्स की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर जो डिबगिंग कमांड्स है उनके थ्रू बेसिकली आप ये दो जो है एरर दूर कर सकते हो, तो कमांड्स आपको यहाँ यूज में लेनी पड़ती है।
तो उस केस में बात कर रहे हैं कि हाँ ये जो दो एरर्स है इस केस में हमको डिबगिंग करनी पड़ती है। एक्चुअली में डिबगिंग करना मतलब वो कमांड्स का यूज करना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज ये भी डिबगिंग ही होता है। ठीक है, सिंटैक्स एरर को भी दूर करना, फाइंड करना, ये भी डिबगिंग के अंदर ही आता है। तो ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है अपना अपना, उनका व्यू ये है कि वो इसको कह रहे हैं डिबगिंग, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस ये है क्योंकि बुक में लिखा हुआ है तो आप रटने ना लग जाओ कि ये जो दो टाइप की एरर है इनको दूर करना ही बेसिकली डिबगिंग होता है। ठीक है, वो अपना ऑथर का व्यू है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ये भी एरर है, इसको भी फाइंड करना है, इसको भी दूर करना है, ये भी डिबगिंग है, लेकिन ये मैनुअल डिबगिंग है, ये आसानी से हो जाएगी, यहां पर आपको कमांड्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अपना अपना व्यू है। वही चीज है जो हमने कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम के केस में देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में तो डिफरेंशिएट कर रखा है, लेकिन आगे जाकर उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम की जगह कंप्यूटर टर्म्स का यूज करा हुआ है कई जगह। ठीक है, तो अपना अपना व्यू है, इस पे इतना ज्यादा डिस्टर्ब मत होना, इतना ज्यादा सोचना मत, रटना मत, चीजों को समझना। ठीक है, अगर आप रटोगे तो ये ऐसे रट लोगे कि अच्छा ठीक है, इन दो टाइप की एरर को दूर करने वाला प्रोसेस डिबगिंग कहलाता है, अगर आप रटोगे तो। लेकिन अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ये सारी चीजें डिबगिंग के अंदर ही आएगी, है ना। ये वाली एरर दूर करना डिबगिंग ही है, बस वो मैनुअल डिबगिंग है, यहाँ पर आपको कमांड्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, तो ये तो हो गया देखो डिबगिंग, है ना। अब यहाँ क्या था, हमने देखा था कि रन टाइम एरर कौन सी होती है, डिवाइड बाय जीरो वगैरह, ये जो होती है आपकी रन टाइम एरर होती है। लॉजिकल एरर वो है एक्स प्लस वाई बाय टू वाला जो एग्जांपल मैंने बताया था। ठीक है, तो बुक में भी सेम ही एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, सिंटैक्स एरर, आपने लिखने में कोई मिस्टेक कर दी, तो ये सारी चीजें तो हम देख चुके हैं। ठीक है, डिबगिंग वगैरह। अब अगर आप चाहते हो तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके फटाफट रीडिंग लगा देता हूँ बुक की कि क्या लिखा हुआ है। बाकी यही सब चीजें लिखी हुई है जो बुक में हमने पढ़ी है ना। ठीक है, बुक में तो फिर भी अच्छे से नहीं दे रखा, हमने तो काफी अच्छे से चीजें कर ली है, तो फिर भी चलो मैं फटाफट से आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं कि क्या क्या लिखा हुआ है, फटाफट से पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब देखो, ठीक है, वो डिबगिंग आ गया आपका। ये डिबगिंग किसे कहते हैं, ड्यू टू एरर से प्रोग्राम मे नॉट एग्जीक्यूट और मैनी जनरेट रॉन्ग आउटपुट, ये तीन तरह की एरर हो गई। ठीक है, फिर सिंटैक्स एरर आ जाओ, सिंटैक्स एरर में वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स वगैरह के बारे में बात करिए। लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हैज रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ ए प्रोग्राम इज टू बी रिटर्न, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। द इंटरप्रेटर कैन इंटरप्रेट ए स्टेटमेंट फॉर स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम ओनली इफ इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पैरेंथेसिस मस्ट बी इन पेयर्स, सो द एक्सप्रेशन 10 प्लस 2 इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, वेयर एज 7 प्लस 11 इज नॉट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइट पैरेंथेसिस। इफ एनी सिंटैक्स एरर इज प्रेजेंट द इंटरप्रेटर शोज एरर मैसेज एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन देयर, सच एरर्स नीड टू बी रिमूव्ड। वो बात है, देखो सिंटैक्स मतलब यही है कि अगर आपने क्या करा, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है सिंटैक्स एरर में, वो क्या दे रखा है कि अगर आपने कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस यूज करा है तो आपको राइट पैरेंथेसिस भी यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस यूज करा और जल्दबाजी में अगर आपने राइट पैरेंथेसिस यूज करना भूल गए आप, तो वो क्या हो जाएगा, सिंटैक्स एरर हो जाएगी, क्योंकि करेक्ट सिंटैक्स नहीं है वो। क्योंकि ये क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस यूज करा है तो राइट भी कहीं ना कहीं यूज करा ही होगा, अगर आपने नहीं करा तो सिंटैक्स में गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करेगा, जैसे ही जो है इंटरप्रेटर मतलब वही, हम कंपाइलर को यहाँ पर इंटरप्रेटर बोलते हैं, इंटरप्रेटर का मतलब वही फर्स्ट लाइन को पहले वो कंपाइल करेगा फिर वो रन करेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो रन कराने लगेगा तो उसको पता चलेगा कि बेसिकली यहाँ सिंटैक्स में गड़बड़ है, सिंटैक्स में गड़बड़ है, इसका मतलब वो एरर दे देगा, आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये चीज मैं आपको देखो बता चुका हूं कि जैसे ही एरर आती है ना किसी भी लाइन में, हमारा प्रोग्राम वहीं पर ही रुक जाता है, उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे सपोज आपके प्रोग्राम में 10 लाइन है, ठीक है 10 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप एग्जीक्यूट करा रहे हो, फर्स्ट लाइन जो है रन हो गई, ठीक है फर्स्ट लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी होगी, लेकिन अगर थर्ड लाइन में कोई एरर है, सिंटैक्स एरर है या किसी भी टाइप की कोई एरर आ गई, तो उसके बाद आपका प्रोग्राम रन नहीं होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, 4th 5th 6th 7th 8 9 10 ये लाइन रन नहीं होती है, फिर वहीं पर ही जो है आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब देखो लॉजिकल एरर क्या है, लॉजिकल एरर
और कॉल्ड सिमेंटिक एरर। लॉजिकल कोई एरर को ही हम सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं। डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूशन। हाँ, इसमें क्या होगा, देखो एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगा। सिमेंटिक एरर में तो आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और रन टाइम एरर में भी आपका एग्जीक्यूशन जो है स्टॉप हो जाएगा। वहां पर जैसे एरर आएगी वैसे एग्जीक्यूशन आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉजिकल एरर में स्टॉप नहीं होगा एग्जीक्यूशन, क्यों? क्योंकि यहाँ एरर आएगी ही नहीं, यहाँ पर आउटपुट गलत आएगा, आउटपुट कुछ और आएगा, जो आप आना चाहिए वो ना आकर कुछ और आएगा, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या है, एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगा। जबकि सिंटैक्स एरर में और रन टाइम एरर में दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन जो है वो रुक जाएगा। जहां पर भी जिस भी लाइन में एरर आएगी वहीं पर ही आपका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। लेकिन लॉजिकल एरर में क्या होता है कि एरर ही नहीं होती है बेसिकली, एक तरह से वो आपका गलत आउटपुट आता है, मतलब जो चाहिए वो आउटपुट नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहता है, उसको क्या पता कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, बट द प्रोग्राम बिहेव्स इनकरेक्टली एंड प्रोड्यूसेस अनडिजायर्ड और रॉन्ग आउटपुट सिंस द प्रोग्राम इंटरप्ट सक्सेसफुली इवन व्हेन लॉजिकल एरर्स आर प्रेजेंट इन इट, इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दीज एरर्स। क्योंकि देखो आपके कोई एरर ही नहीं आएगी, बस आपका आंसर गलत आएगा, तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा यहां पर समझना कि कहां पर बेसिकली एरर है, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू विश टू फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, ये वही वाला एग्जाम्पल है ना, एवरेज वाला, तो वो मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। अब देखो, अब रन टाइम एरर आ चुका है, ठीक है, रन टाइम एरर है, ठीक है। रन टाइम एरर क्या होती है, वही है, देखो रन टाइम एरर कॉजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ ए प्रोग्राम वाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। रन टाइम एरर इज व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट सिंटैक्टिकली बट द इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट। कि इंटरप्रेटर क्या देखेगा कि भाई सिंटैक्स तो करेक्ट है लेकिन फिर भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है उसको, मतलब कोई ना कोई और टाइप की एरर है और वो रन टाइम की एरर है, ठीक है। जैसे डिवाइड बाय जीरो आ गया ना, फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन बाय जीरो ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें है ना। तो चलो, ये हो गया आपका रन टाइम एरर हो गया। अब जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास फंक्शंस, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप करता हूँ एक बार। अब देखो, ये तो हो गया डिबगिंग खत्म। अब फंक्शंस है, फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, फटाफट से मेरे को रिप्लाई करो कौन कौन से फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं अभी तक, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन यूज में ले चुके हैं अभी तक ये बताओ मुझे, रिप्लाई करो कमेंट्स में फटाफट कि कौन कौन से फंक्शन हम अभी तक यूज में ले चुके हैं। देखते हैं कितने आपको याद है, कौन कौन से फंक्शन अभी तक यूज में ले चुके हैं। और मैं पूरा बता चुका हूँ आपको, फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, सब बता चुका हूँ। अब आप पढ़ते नहीं हो, रिवाइज नहीं करते हो, तो फिर क्या कर सकते हैं, बताओ फटाफट किसको याद है। एक भी रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। आज इतने कम बच्चे कैसे हैं आज हैं, बाकी सारे कहाँ चले गए, आज तो बहुत ही कम स्टूडेंट है, क्या दिक्कत है। हाँ, प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, वेरी गुड अमित। और भी फंक्शन हम देख चुके हैं, याद करो फटाफट कौन कौन से फंक्शन हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम काफी फंक्शन देख चुके हैं। प्रिंट फंक्शन हमने देखा, इनपुट फंक्शन हमने देखा, ठीक है। और भी फंक्शन हमने देखे थे, जैसे हमने आईएनटी फंक्शन देखा था, ठीक है, एसटीआर फंक्शन हमने देखा था, रेंज फंक्शन हमने देखा था, ठीक है, लेन फंक्शन हमने देखा था, ठीक है, टाइप फंक्शन हमने देखा था, ठीक है, और भी लिस्ट फंक्शन भी इवन हमने देखा था कि लिस्ट भी एक फंक्शन की तरह हमने यूज में लिया था। अब आप याद नहीं आ रहा, आपको बड़ी दुख की बात है, इफ फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एसक्यूआरटी फंक्शन होता है, ठीक है, इफ फंक्शन नहीं होता बेटा। फंक्शन मैंने बताया था कि फंक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, हाँ, एसक्यूआरटी भी फंक्शन होता है, ठीक है, बिल्कुल।
SQRT, SQRT का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालना किसी भी नंबर का। तो ये सारे फंक्शन हमने कहीं ना कहीं यूज में लिए हैं, इतने सारे प्रोग्राम हमने बताए हैं उसमें कहीं ना कहीं यूज में लिए, ठीक है। अभी किसी ने कहा कि भाई इफ जो है एक फंक्शन है ना, फोर भी फंक्शन हो सकता है फिर, नहीं ये फंक्शन नहीं होते, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन वो होते हैं जिसके आगे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं इस तरह से, ठीक है, और वो बेसिकली यहाँ पर कोई इनपुट डालते हैं और फिर ये कोई आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई आउटपुट आएगा और यहाँ पर हम इनपुट देंगे, ठीक है, वो फंक्शन होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसमें हम कोई इनपुट पास करते हैं और उसमें से कोई आउटपुट आता है, ठीक है, वो बेसिकली फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे देखो, प्रिंट फंक्शन में भी हम कोई इनपुट देते हैं और इसका आउटपुट क्या आता है, आउटपुट विंडो पर ये कुछ प्रिंट कर देता है, ये इसका आउटपुट है। इनपुट फंक्शन का भी होता है, ऐसे सारे जो है हम देख चुके हैं कैसे कैसे ये सारे फंक्शंस काम करते हैं, इतने प्रोग्राम हमने बताए हैं, सब में इनका यूज हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो, देखो प्रिंट फंक्शन देख चुके हैं, बहुत अच्छे से देखे थे हमने प्रिंट फंक्शन, एक बार और मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। देखो प्रिंट फंक्शन क्या होता है, ये मेरा प्रिंट फंक्शन होता है, इसमें हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कितने इनपुट दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, चार, ऐसे हम कितने भी ऐसे इनपुट इसमें दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें प्रिंट कराया हेलो, एक इनपुट, ठीक है, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरा इनपुट दे दिया इसमें हेलो 1 2 3 और फिर कॉमा 4.56, ठीक है। तो ऐसे मैंने तीन इनपुट दे दिए इसमें, है ना, और जितने भी इनपुट हैं वो सारे क्या है, कॉमा सेपरेटेड है, मतलब उनके बीच में कॉमा है, ठीक है। और इन्हीं इनपुट को बेसिकली आप आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हो, ठीक है। तो आप देख लो कि बेसिकली इनपुट को ही हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इनपुट का मतलब ही होता है आपका आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और आपका आउटपुट जो होता है उसको हम बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। ठीक है, जो किसी भी फंक्शन का जो इनपुट है, किसी भी फंक्शन के इनपुट को, है ना, फंक्शन में क्या है, ये तीन इनपुट है, इसका मतलब इस फंक्शन में तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट और थर्ड आर्ग्यूमेंट, तीनों के बीच में कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो ये एक प्रिंट फंक्शन है जिसमें तीन आर्ग्यूमेंट हमने पास कराए हैं, ठीक है, और इसका जो आउटपुट आएगा उसको रिटर्न वैल्यू भी बोलते हैं, इस फंक्शन के आउटपुट को हम बेसिकली रिटर्न वैल्यू भी बोलते हैं। तो जो इस फंक्शन का आउटपुट क्या आता है, इस फंक्शन का बेसिकली आउटपुट क्या आएगा, वो आएगा हेलो 1 2 3 और 4.56 और बीच में स्पेस आएगा, है ना, और ये जो है बेसिकली आपका आउटपुट विंडो पर प्रिंट हो जाएगा, ये इस फंक्शन का आउटपुट होता है ना, ये फंक्शन बेसिकली ये काम करता है, ठीक है। या अगर मैं कहूं तो बेसिकली थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, आउटपुट एक अलग चीज होती है और प्रोसेस एक अलग चीज होती है ना, तो ये बेसिकली इसका आउटपुट ना होकर, छोड़ो ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे बेसिकली आप, है ना, चीजें होती है, काफी चीजें होती है, लेकिन धीरे धीरे सीखोगे सारी चीजें आप एक साथ सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, है ना। तो देखो, तो ये आ गया, है ना, तो प्रिंट फंक्शन हो गया, ऐसे ही आपका क्या होता है, इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है, इनपुट फंक्शन। तो x इक्वल टू मैंने लिखा इनपुट, तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन क्या करता है, आपका कीबोर्ड से आपने कोई भी वैल्यू एंटर करी वो आ जाता है। तो जैसे ही मैंने कीबोर्ड पे लिखा, सपोज मैंने ये फंक्शन कॉल, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और सपोज यहां पर मैंने लिखा हेलो, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर मैंने हेलो लिखा, तो ये जो इसका आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, हेलो और उसके अराउंड में कोट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनपुट फंक्शन है। अब इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने क्या आर्ग्यूमेंट पास करवाया, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाया, है ना, इनपुट फंक्शन में अभी मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाया, लेकिन फिर भी इसका आउटपुट आएगा हेलो, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं कीबोर्ड पर जो भी वैल्यू एंटर करूंगा वो वैल्यू ये लेगा, उसके आगे पीछे कोट्स लगा देगा, उसको बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और फिर जो है एक्स में वो वैल्यू चली जाएगी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जो भी मैं कीबोर्ड पर एंटर करूंगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके
स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, वो इसका आउटपुट आता है, फिर वो वैल्यू एक्स में मैंने असाइन कर दी। ठीक है, तो ये जो होते हैं, अब कहना ये चाह रहे हैं अपन कि जरूरी नहीं है कि किसी भी फंक्शन में मैं आर्ग्यूमेंट पास ही करूं। ठीक है, ऐसे कई फंक्शन होंगे जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे हमने देखा था कि इनपुट फंक्शन में भी हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं कोई यहाँ पर, है ना, प्रिंट ए नंबर, एंटर ए नंबर, है ना, तो वो मैसेज यहाँ पर आ जाए। तो मतलब आर्ग्यूमेंट पास भी कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे फंक्शन होंगे जरूरी नहीं है जिसमें आप आर्ग्यूमेंट पास करो। जैसे इसमें जरूरी नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट पास करो, है ना, तो यहाँ जरूरी है नहीं। मतलब यहाँ पर देखो मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, फिर भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई फंक्शन है जिनको कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, है ना, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको जरूरत होती है। जैसे एसक्यूआरटी फंक्शन है, स्क्वायर रूट, तो उसमें तो आपको कोई नंबर एंटर करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई नंबर एंटर नहीं करोगे तो किसका स्क्वायर रूट निकालेगा, किसी का ही नहीं निकाल पाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट पास करो, वो मैसेज है, मैसेज प्रिंट करो मत करो आपकी आप पे निर्भर करता है ना। ऐसे ही कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका कोई आउटपुट नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका कोई आउटपुट नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको कहूं तो प्रिंट फंक्शन जो प्रिंट करता है, ये पूरी लाइन जो प्रिंट करता है, वो इसका आउटपुट नहीं होता है, वो इसका प्रोसेस होता है। आउटपुट तो आप इसको भी प्रिंट करा के देखो, तब आपको पता चलेगा कि वो आउटपुट क्या आता है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैंने क्या बोला यहां पर। ठीक है, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है वो ट्राई करना। प्रिंट फंक्शन का आउटपुट अगर आपको देखना है तो आपको कैसे पता चलेगा, फिर आपको ऐसे पता चलेगा, प्रिंट करो इसको दोबारा से ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रिंट फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, इस वाले प्रिंट फंक्शन का क्या आउटपुट आएगा। वो आपको तब पता चलेगा जब आप इस प्रिंट को भी प्रिंट करके देखोगे। ठीक है, और बेसिकली जो प्रिंट होता है आउटपुट विंडो पर, वो इसका प्रोसेस होता है कि ये अपने प्रोसेस में ऐसा कर रहा है। ठीक है, चलो, तो बेसिकली कहने वाली बात यह है कि फंक्शन में जरूरी नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट पास करो। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए होता है, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कोई भी आउटपुट नहीं देते हैं, है ना, जिसको आउटपुट नहीं होता, बस वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन ने क्या करा, आउटपुट विंडो पर कुछ प्रिंट कर दिया, लेकिन जो इसका आउटपुट आता है वो कभी भी हमने यूज में नहीं लिया। हमने कभी भी ऐसा नहीं करा x इक्वल टू प्रिंट, है ना, ऐसा हमने कभी भी नहीं लिखा कि x इक्वल टू प्रिंट लिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि इसका आउटपुट क्या आता है, है ना, तभी तो पता चलेगा कि इसका आउटपुट क्या आता है। लेकिन कभी हमने इसका आउटपुट यूज ही नहीं लिया, इस प्रिंट फंक्शन का जो भी आउटपुट आता है वो कभी हमने यूज ही नहीं लिया, है ना। यूज कैसे लेंगे, x इक्वल टू प्रिंट करो, फिर उसको x को प्रिंट कराकर देखो कि क्या आता है उसका आउटपुट, है ना। तो बेसिकली अभी तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, वो प्रोसेस है उसका, जो आउटपुट विंडो पर वो प्रिंट करता है वो उसका प्रोसेस है। ये उसके इनपुट है, ये तीन उसके इनपुट है, वो उसका प्रोसेस है। आउटपुट क्या आता है वो आज तक हमने यूज में ही नहीं लिया उसका। ठीक है, आप देख सकते हो कि उसका क्या आउटपुट आता है इस तरह से, है ना। तो ऐसे कई फंक्शन होते हैं जो कोई इनपुट नहीं लेते, ऐसे कोई फंक्शन होते हैं जो कोई आउटपुट नहीं देते, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोसेस तो जरूर करते ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। अब क्या है, देखो ऐसे हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं, है ना। अब देखो होगा क्या, ये देखो ये फंक्शन है, इसको क्या पता कि ये क्या काम करना है, मतलब इसको कोई कुछ तो हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ना। ये फंक्शन बेसिकली कहीं लिखे होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट वाला हमारा फंक्शन देखो, है ना, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन पे चलते हैं। स्क्वायर रूट है, ठीक है, अब मैंने लिखा x इक्वल टू एस क्यू आर टी, ठीक है, स्क्वायर रूट लिखा और यहां पर मैंने लिख दिया 25, तो x क्या आएगा, बेसिकली आपका आएगा 5। अगर मैं प्रिंट x करवाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा 5, है ना, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। लेकिन स्क्वायर रूट तो आपने 9th और 10th क्लास में सॉल्व किया होगा कि स्क्वायर रूट निकालने का तो एक मेथड होता है पूरा पूरा, है ना, स्क्वायर रूट निकालने का एक पूरा अच्छा खासा मेथड होता है। तो फिर ये एसक्यूआरटी फंक्शन कैसे निकाल पा रहा है, है ना, हाँ, तो फिर ये SQRT फंक्शन कैसे 5 आंसर दे पा रहा है। इसका मतलब जो हमने मेथड पढ़ा था 9th और 10th में, वो कहीं ना कहीं SQRT फंक्शन यूज करता है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली करता क्या है, देखो, तो होगा क्या आपका कि ये जो SQRT फंक्शन है वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा पाइथन के अंदर पहले से, है ना। वो कैसे लिखा हुआ होता है, वो इस तरह से लिखा होता है DEF और SQRT, ठीक है, और यहां पर जो है आपका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, जैसे कोई नंबर है, जो भी नंबर आपने एंटर करा
और यहां पर जो है वो मेथड लिखा हुआ होगा पूरा का पूरा जो हमने हमारे 9th और 10th क्लास में लिखा था पढ़ा था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये नंबर आ गया 25, नंबर की वैल्यू हो जाएगी 25, और फिर वो पूरा मेथड यूज करेंगे जो हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ा था, और फिर फाइनली ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा आपको आंसर। आंसर क्या होगा, अभी जब ये पूरा सॉल्व करेगा इसको तो आंसर की वैल्यू होगी आपके 5, तो ये रिटर्न कर देगा 5, तो इसका मतलब है x में आपका 5 आ जाएगा। इस तरह से ये फंक्शन कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है। तो मैंने तो केवल देखो sqrt कॉल करा, मेरा काम इतना सा है, मेरा केवल इतना सा प्रोग्राम था, लेकिन ये फंक्शन कहीं लिखा हुआ रहता है पहले से, वो किसी फाइल में लिखा हुआ रहता है। पाइथन की अपने पाइथन ने क्या रखा है, बहुत सारी फाइलें बना रखी है, और बहुत सारी फाइलों में बहुत सारे फंक्शन पहले से बना रखे हैं, ताकि वो फंक्शन आपको खुद से बनाने ना पड़े। जैसे sqrt फंक्शन उसने खुद से बना रखा है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करा, बस उसको यूज करा है। इसको बोलते हैं कॉल करना, यूज करने को बोलते हैं कॉल करना। जब भी किसी फंक्शन को हम यूज करते हैं उसका मतलब होता है हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को यूज करना मतलब फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहां पर कॉल, ठीक है। तो देखो, तो इसका मतलब है हमने फंक्शन को कॉल करा, अब वो फंक्शन पाइथन ने किसी न किसी फाइल में लिखा हुआ है, तो वो फाइल में sqrt लिखा हुआ है, तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो इस तरह से होता है कि मेरा जैसे ये प्रोग्राम रन होता है तो क्या होता है, ये वाली लाइन पहले रन होती है, फिर ये वाली लाइन रन होती है। तो जब ये वाली लाइन रन होगी ना मेरी, जब मैं ये प्रोग्राम रन करवाऊंगा तो पहले ये वाली लाइन रन होगी, है ना। तब ये वाली लाइन जब रन होगी तो बेसिकली फिर उसके बाद ये वाली लाइन रन होगी, फिर उसके बाद ये वाली रन होगी, फिर ये वाली रन होगी, फिर ये वाली रन होगी, ये वाली, और फिर जाकर मेरी ये वाली लाइन रन होगी। तो इंटरनली ऐसा होता है ना। अभी आपने क्या पढ़ा कि पहले ये वाली लाइन रन होती है, फिर ये वाली लाइन रन होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जब ये लाइन रन होती है तो उसके बाद क्या होता है, फिर ये वाली लाइन रन होगी, फिर ये वाली लाइन रन होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी, और फिर फाइनली वो रिटर्न कर देगा आपको आंसर, और फिर जब ये सारी लाइनें रन हो जाएगी फिर उसके बाद आपकी सेकंड वाली लाइन रन होगी। इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस जो है पाइथन ने बना रखे हैं और अलग अलग फाइल में उनको स्टोर करा हुआ है, ठीक है। तो पाइथन ने क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शन बना रखे हैं और सारे फंक्शन अलग अलग से स्टोर करे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग फाइल में रखे हुए हैं। इन फाइल्स को बोलते हैं हम मॉड्यूल्स, ठीक है। इन फाइल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं, बस ये। ऐसे अलग अलग पाइथन ने क्या बना रखी, फाइल्स बना रखी, उन फाइल्स को हम मॉड्यूल्स बोलते हैं जिसमें अलग अलग उसने फंक्शन बना रखे हैं, ठीक है। तो देखो, तो जबी भी देखो मैंने, लेकिन सोचो तो अभी देखो कि अगर मुझे sqrt फंक्शन यूज करना है तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है। अगर मुझे sqrt फंक्शन यूज करना है तो मुझे क्या करना होगा, ये ट्राई करके देखना आप, है ना। तो देखो, अब मैंने कोई प्रोग्राम लिखा x = sqrt 25 और फिर मैंने करा प्रिंट x, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, है ना। मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 5, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पाइथन को ये बताना पड़ता है कि ये जो sqrt है ये कौन सी फाइल में है। हाँ, पहले क्या होगा, लेकिन इस प्रोग्राम में एक कमी है, वो कमी ये है कि पाइथन को ये बताना पड़ता है कि ये जो sqrt फंक्शन है वो कौन सी फाइल में है, ये बताना पड़ता है उसको कि ये जो फंक्शन उसने लिखा हुआ है वो कौन सी फाइल में लिखा हुआ है ना। तो हमको ये बताना पड़ता है, तो हम ये कैसे बताते हैं उसको, इस तरह से import math dot sqrt, ठीक है, इस तरह से ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। ट्राई कर करके देखना है, इसको आपको पता चलेगा। तो इस तरह से मेरे को लिखना पड़ता है इम्पोर्ट मैथ, पूरी मैथ की भी हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी और भी चीजें होती है, लेकिन धीरे धीरे ही आप सीखोगे ना, चीजें और भी होती है, बहुत सारी होती है। इम्पोर्ट मैथ भी लिखते हैं, इम्पोर्ट मैथ डॉट एस क्यू आर टी भी हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे और भी चीजें होती है, धीरे धीरे सीखोगे आप वो सब। तो देखो, तो मैंने, मेरे को ये बताना पड़ता है कि ये जो है कहाँ पर है, तो उसको मैं कैसे बताता हूँ, इम्पोर्ट करके। तो इससे क्या पाइथन समझ जाता है कि उसको ये वाली जो फाइल है, वो वाली फाइल जो है बेसिकली उसमें ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस लाइन से पाइथन को ये बताते हैं कि जो sqrt फंक्शन है वो आपकी मैथ वाली फाइल के अंदर कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो फिर वो जो फंक्शन है वो मेरे काम में आ जाता है, ठीक है, फिर ये वाला करेक्ट हो जाता है।
लेकिन अब आप पूछोगे सर प्रिंट फंक्शन में तो हमने बताया ही नहीं पायथन को कि प्रिंट फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है ना, ये भी तो एक फंक्शन है, प्रिंट भी तो एक फंक्शन है, लेकिन प्रिंट फंक्शन के लिए तो कभी हमने इंपोर्ट यूज करा ही नहीं, हमने तो ये बताया ही नहीं पायथन को प्रिंट कहाँ लिखा। तो पायथन को कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो उसको पता, वो उसको आपसे नहीं पूछता, ठीक है, वो मान के चलता है कि उसको पता रहते हैं ये फंक्शन। जैसे प्रिंट फंक्शन उसको ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेता है उस फाइल को जिस फाइल में प्रिंट फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या होते हैं, हर फाइल हर प्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको पता है कि भाई प्रिंट फंक्शन है बहुत ज्यादा यूज में आता है, तो बहुत ज्यादा यूज में आता है, तो इसलिए जो ये वाली फाइल है प्रिंट वाली फाइल, वो ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट करके रखता है, ठीक है। ऐसे इनपुट फंक्शन है तो वो इनपुट फंक्शन क्या है, आपको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करके रखता है वो वाली फाइल जिसमें वो लिखा हुआ है। लेकिन ये एसक्यूआरटी तो हर कोई यूज नहीं करता, SQRT तो बहुत कम प्रोग्राम में अभी तक हमने भी यूज नहीं करा है, तो इसलिए इसके लिए क्या होता है कि वो ये फाइल को इंपोर्ट करके नहीं रखता अपने आप, तो इसलिए हमको उसको कहना पड़ता है कि भाई ये वाली इंपोर्ट कर लो आप, ठीक है। तो ये मैं क्योंकि ये वाले फंक्शन यूज कर रहा हूँ और ये इस फाइल में, तो ये वाली यूज कर लो, ठीक है। तो ये बेसिकल इंपोर्ट होते हैं, और ये जो फाइल होती है जिसमें फंक्शन लिखे रहते हैं ऐसी बहुत सारी फाइल्स है, इन सब फाइल्स को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। तो जैसे ये मैथ है, ये क्या है आपका एक मॉड्यूल है ना, ये सब वो एक मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, आगे जाकर आप देखोगे एक चैप्टर आपके है नमपाई, ठीक है, नमपाई ये भी क्या है आपका एक मॉड्यूल्स वगैरह आ जाते हैं,